Hi, hello, you're watching 10th Live Daily in Academy Foundation channel. Welcome back, I'm Seema here with you. So, aaj hum non-metals and metals ke ek aur lecture par aa chuke hai, lecture 7 pe hum aa chuke hai. So, sabse pehle, agar aaj humare is channel pe naye learners hai, unke liye swagat hai. And first thing, aap subscribe kijiye humare channel Unacademy Foundation, jispe already 12,000 subscribers ऐड हो चुके हैं एंड ऐसे ही हमारे चैनल को ग्रो करना है हमें मिलके साथ साथ एंड ये हमारी पूरी टीम है फाउंडेशन के सो आई विल बी टेकिंग अप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फॉर क्लास 9th एंड 10th सुरभि मैम विल बी टेकिंग अप मैथमेटिक्स सुविंद्या मैम विल बी टेकिंग अप बायोलॉजी एंड आपको पता ही है कि हमारे चैनल में मंडे टू सैटरडे 5 to 7 PM तक हमारे सारे लेक्चर्स चालू होते हैं अगर आपने नहीं देखा है कोई वीडियोस को तो प्लेलिस्ट बना हुआ है तो जरूर देख लीजिएगा एंड आल्सो अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप के द्वारा आप कनेक्ट हो सकते हैं ओके सो टेलीग्राम ऐप का लिंक मैं आपको बताती हूँ सो टेलीग्राम ऐप के द्वारा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं सो टेलीग्राम ऐप पहले इंस्टॉल कीजिए अपने फ़ोन में एंड देन URL की जगह आपको टाइप करना है ये URL दैट इज़ tinyurl.com/unacademyfoundation तो इससे आप हमारे ग्रुप भी ज्वाइन हो सकते हैं जिनमें ऑलरेडी मोर देन 400 स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं हमारे साथ सो टेलीग्राम ऐप पे आइए सबसे पहले एंड अगर आपके कोई डाउट्स हैं वहाँ पे आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं एंड अनअकैडमी लर्निंग आपको पता ही है अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म आपके लिए कितना कर रहे हैं एंड अगर आप 9th 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हैं तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ सीख सकते हैं एंड मतलब 9th 10th स्टैंडर्ड से ही आपका IIT नीट का तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ प्लस प्लेटफॉर्म की बेनिफिट्स क्या क्या है मैं बताती हूँ आपको सो अगर आपने एक बार इस कैटेगरी के अंदर जितना भी अगर आप 9th 10th स्टैंडर्ड है तो हमारी कैटेगरी फाउंडेशन एंड NTSC है तो इस कैटेगरी के अंदर अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन लिया तो उस कैटेगरी के अंदर जितना भी कोर्सेज बन चुका है किसी और एजुकेटर से भी तो आपको सारे एक्सेस मिल जाएगा उससे एंड हमारे प्लस क्लासेस में होते हैं क्विज सेशंस टेस्ट सीरीज डाउट क्लैरिफाइंग सेशंस सो दैट इज़ वाई बहुत एक्साइटिंग भी होता है आपके लिए एंड आप घर बैठे देख सकते हैं लेक्चर्स ऑल्सो हमारे सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड होते हैं मतलब लेसन्स जो बना हुआ है सो बाद में भी आप देख सकते हैं अगर आपको फिर से देखना है या फिर आपको लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते फॉर सम रीज़न इवन देन रिकॉर्डेड लेसन्स आप हमेशा देख सकते हैं सो दैट इज़ वाई क्यों वेट करना है जल्दी हमारे साथ प्लस प्लेटफॉर्म पे आ जाइएगा सो सिंपल स्टेप्स फॉलो करना है आपको पहले प्ले स्टोर से आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है दैट इज इंडियाज ट्रेंडिंग एजुकेशनल ऐप इवन टुडे थैंक्स फॉर यू फॉर ऑल दैट सपोर्ट दैट यू हैव गिवन अस सो अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए अपने फ़ोन में एंड देन प्लस सेक्शन आपका फर्स्ट व्यू होना चाहिए सो प्लस सेक्शन में क्लिक करने के बाद आपको फाउंडेशन एंड NTSC चूज करना है गोल अगर आप IIT JEE एस्पिरेंट है तो IIT JEE पे क्लिक कीजिएगा अगर आप नीट एस्पिरेंट है तो नीट पे क्लिक कीजिएगा एंड इसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन दिखाई देगा आपको सो हमारे बेसिक सब्सक्रिप्शन प्लान्स जो है वो इतना है तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 month सब्सक्रिप्शन अप टू आपको 2 year सब्सक्रिप्शन प्लान्स भी है तो अगर आप 9th 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हैं तो ये दोनों सब्सक्रिप्शन प्लान्स आपके लिए बहुत रीजनेबल पड़ेगा क्योंकि अगर आप 9th 10th स्टैंडर्ड है तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं 2 साल में हमारे सारे सिलेबसेस भी कवर हो जाएंगे एंड प्राइस भी आपके लिए बहुत रीजनेबल हो जाएगा पर मंथ इट विल ओनली कम अप टू 1167 सो पर डे इट्स लाइक इवन लेस देन 45 rupees एंड अगर आप 10th 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट है तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं 1 साल का सब्सक्रिप्शन मतलब मंथली आपको सिर्फ 1458 लगेगा सो दैट इज वाई एंड इसके साथ साथ अगर आपने ये रेफरल कोड यूज किया तो बहुत आसान से आप याद कर सकते हैं ये रेफरल कोड स्कूल अगर आपने स्कूल रेफरल कोड यूज किया ऑल इन कैपिटल लेटर्स आपको अपना प्लान में और भी एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलने वाला है सो जरूर हमारे प्लस क्लासेस पे ज्वाइन हो जाइएगा सो अब हम कंटिन्यू करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के सो फाइनल स्टेप जो बाकी था हमारे इस मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में इज इट राइट तो हमने पहले देखा था
कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर, एंड इसके बाद हमने देखा कन्वर्शन ऑफ ओर इनटू इट्स ऑक्साइड, एंड देन वी सॉ रिडक्शन प्रोसेसेस कैसे करना है, ऑक्साइड से मेटल तक कैसे लेना, तो बहुत सारे उस पर टाइप्स थे, तो वो सारे मेथड्स हमने देखा. तो अब हम आज देखेंगे फाइनल स्टेप आफ्टर द रिडक्शन ऑफ मेटल. ओके, अब ऑक्साइड से मेटल बन गया है तो सारे इम्प्यूरिटीज भी जा चुके हैं, फिर भी लास्ट स्टेप तो बचा है, दैट इज रिफाइनिंग एंड प्योरिफिकेशन. तो ये भी थोड़ा मतलब लास्ट फाइनल फिनिशिंग टच बोलते हैं हम. सो ये लास्ट स्टेप होता है. सो इस पे भी टाइप्स होते हैं. पहला टाइप है लिक्वेशन. ओके, लिक्वेशन मतलब क्या, देखिए यहाँ पे ऐसा एक स्लोपिंग हीट होता है. सो दिस इज द सेटअप ऑफ लिक्वेशन प्रोसेस. सो यहाँ पे लिक्वेशन प्रोसेस का प्रिंसिपल क्या होता है, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरिंग मेल्टिंग पॉइंट्स. अगर आपके पास इम्प्योर और इम्प्योरिटीज है एंड के मेटल है, तो मेटल्स का लो मेल्टिंग पॉइंट्स बनता है. ओके, सो मेटल्स लाइक लेड, टिन, बिस्मथ एटसेट्रा, सो दे हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट्स. तो ये प्रिंसिपल हम यहाँ पे यूज करते हैं. ओके, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल जो है, ओके, सो दिस इज द स्लोबिंग हीट. सो यहाँ पे हम हीट करना स्टार्ट कर रहे हैं. सो क्या होता है, व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू गिव टेम्परेचर, व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, सो द मेटल, यहाँ पे जो मेटल है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, एंड आपका मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट कम होता है इंप्यूरिटीज को कंपेयर करके. सो दैट इज व्हाई मेटल बहुत बहुत मतलब पहले यहाँ पे स्लोपिंग हीट पे आके इस कंटेनर में कलेक्ट होता है, एंड आपका इम्प्यूरिटी जो है वो अभी भी मतलब फुल्ली मेल्ट नहीं हुआ है. सो दैट इज व्हाई ये यहाँ पे ही स्टिक होता है. ओके, सो बेस्ड अपॉन द डिफरिंग इन मेल्टिंग पॉइंट्स हम इस मेथड से प्यूरिफाई करते हैं मेटल को. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस. इसका नाम क्या होता है, लिक्वेशन प्रोसेस बोलते हैं, लिक्विफिकेशन. तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, तो क्या कर रहे हैं हम, इसको मेल्ट कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट मेथड इन प्यूरिफिकेशन. ओके, सेकेंड मेथड है दैट इज डिस्टिलेशन. तो ये भी आप कर सकते हैं. देखिए अगर आपके कोई मेटल्स अगर वोलेटाइल है, ओके, लाइक मर्क्यूरी एंड जिंक वेपर्स आप मिल सकते हैं, वोलेटाइल मेटल्स हैं वो. सो दैट इज व्हाई आप अगर आपका नेचर, मेटल का नेचर को आप स्टडी करके डिफरेंट डिफरेंट मेथड से प्यूरीफाई कर सकते हैं. ओके, सो अगर आपके मेटल वोलेटाइल है, सो देन आप डिस्टिलेशन प्रोसेस कर सकते हैं. लाइक इन डिस्टिलेशन आप हीट करते हैं, तो क्या होता है, आपका जो फॉर्म है, मेटालिक फॉर्म जो है वो कन्वर्ट होता है वेपर्स, इज इट राइट, रेडिली वेपर हो जाता है क्योंकि वोलेटाइल है. सो देन वो जो वोलेटाइल वेपर है उनको आप कंडेंस कर सकते हैं. सो दैट इज नाउ प्योर कंप्लीटली, एंड आपका इंप्यूरिटी जो है, इंप्यूरिटी यहां पे डिस्टिलेशन फ्लास्क में ही वो छूट जाता है. ओके, सो दिस इज द सेकेंड प्रोसेस. सिंपल प्रोसेस है ये भी, तो क्योंकि हमने ये सारे सेपरेशन प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस में ही देख चुके हैं. इज इट राइट, सो अगर आपने नहीं देखा है केमिस्ट्री का मैंने बनाया लेक्चर, सो दैट इज आई जरूर देख लीजिएगा. इस मैटर अराउंड इस प्योर लेसन में हमने सारे प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. ओके, सो नेक्स्ट तीसरा जो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरा जो प्योरिफिकेशन टेक्निक है, सो दिस इज वाइडली यूज्ड, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. सो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से आप प्योरिफाई कर रहे हैं. सो ये जो आप देख रहे हैं, ओके, सो दिस इज द प्लांट जहां पे आप कॉपर रिफाइनिंग करते हैं. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द फैक्ट्रीज जहां पे, ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इम्प्योर कॉपर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से कॉपर को प्यूरिफाई कर दिया जाता है. सो बेसिकली ये प्रोसेस, ओके, सो ये प्रोसेस हम कैसे और किस मेटल को हम यूज कर सकते हैं, बेसिकली कॉपर, जिंक, टिन, निकल, गोल्ड, सिल्वर, तो बहुत सारे, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कैन बी रिफाइंड यूजिंग दिस टेक्निक. सो ये टेक्निक कैसे मतलब वर्क होता है ये हमें देखना है. देखिए ये सेटअप होता है, आपको पता ही है इलेक्ट्रोलिसिस का सेटअप कैसा होता है, दो इलेक्ट्रोड्स की जरूरत है, इज इट राइट, एक तो इलेक्ट्रोड होना चाहिए, दिस इज एनोड, इज इट राइट, एक एनोड होना चाहिए.
ओके दैट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड दूसरा कैथोड होना चाहिए दैट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज इट राइट. तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस पे हम क्या करते हैं ओके सो वी टेक ओके टू वी टेक वन इम्प्योर मेटल एंड ऑल्सो वी टेक ओके ऑन वन साइड ऑन वन इलेक्ट्रोड हम क्या करते हैं ओके वो जो इम्प्योर मेटल है सो क्रूड मेटल का मतलब क्या है क्रूड मेटल का मतलब इम्प्योर मेटल है सो वी टेक इम्प्योर मेटल ऑन द एनोड ओके यहाँ पे क्या है यहाँ पे इम्प्योर मेटल है कैथोड में ओके सो वी टेक इम्प्योर मेटल ऑन द कैथोड ओके एंड देन थिन शीट्स ऑफ प्योर मेटल आर मेड एज कैथोड्स ओके सो यहाँ पे प्योर मेटल कैथोड बनते हैं ओके एंड इसका कोई इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन हम देते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉपर का हम अभी तक जो देखा है कॉपर का रिफाइनिंग अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस से करते हैं तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज कर सकते हैं आप कॉपर सल्फेट यूज करते हैं ओके सो अगर आप कॉपर का रिफाइनिंग के बारे में बात करते हैं सो कॉपर सल्फेट इज यूज एज अ इलेक्ट्रोलाइट. सो अलग अलग मेटल्स का अलग अलग उनका ही सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइट बनाना है हमें ओके सो अब ये जो सेटअप बन गया नाउ वॉट यू हैव टू डू ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी ओके अब इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद क्या होता है यहाँ पे ओके एनोड में जो इम्प्योर है इज इट राइट एनोड में जो इम्प्योर मेटल है ओके सो वो क्या होने जाता है ओके सो यहाँ पे जो इम्प्योर में मतलब प्योर मेटल भी है उनमें इज इट राइट सो व्हेन यू आर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी व्हाट हैपेंस द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड ओके सो द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड इट स्टार्ट्स मूविंग एंड इट इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड. समझ में आ रहा है आपको क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे सो इम्प्योर मेटल में इम्प्योर जो क्रूड मेटल है आपके पास तो व्हेन यू पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी व्हाट हैपेंस ओके दैट विल पिक अप द ओके दैट विल पिक अप द इलेक्ट्रॉन्स ओके सो वो जो कॉपर फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग ओके नाउ ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी व्हाट हैपेंस दिस कॉपर प्लस टू ओके सो दिस पिक्स अप द टू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वेयर From the cathode side, is it right? क्योंकि cathode negatively charged है so it picks up the two electrons from the cathode and वो क्या बन जाता है वो बन जाता है copper, okay? And similarly क्या होता है ओके एंड सिमिलरली द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व इन टू द इलेक्ट्रोलाइट. सो क्या होता है यहाँ पे ओके वो जो प्योर मेटल है तो वो प्योर मेटल जो है वो डिजॉल्व होता है अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में. सो देन आप इसको मतलब सेपरेट कर सकते हैं ऐसा. सो रिमेंबर वन थिंग इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आप क्या कर रहे हैं ओके सो द प्योर मेटल इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड एट द कैथोड ओके सो इम्प्योर मेटल से आप प्योर बना रहे हैं इसको के बाईपासिंग इलेक्ट्रिसिटी. सो ये सिंपल प्रोसीजर होता है यहां पे इज इट राइट यस. तो नेक्स्ट हम देखते हैं एक और टॉपिक कोरोजन ऑफ मेटल्स ओके सो अब हमारे सारे प्रिंसिपल्स हो चुके हैं मेटलर्जी का. तो अब एक और जो छोटा सा टॉपिक बचा है दैट इज कोरोजन ऑफ मेटल्स. तो कोरोजन एंड रस्टिंग तो अगर मैं कोरोजन बोलती हूँ तो आपको ये दोनों ही याद आता है इज इट राइट. आयन का जो ब्राउन कलर कोटिंग आयन का ब्राउन कलर जो सरफेस पे आता है या फिर ऐसे स्टील के ऊपर थोड़ा सा ब्राउन कलर लेयर इज राइट. तो कोरोजन एंड रस्टिंग दोनों सेम नहीं है रिमेंबर ओके. सो कोरोजन मतलब दैट इज अ वाइड एक्सप्लेनेशन अ वाइड डिटेल है उसके साथ. कोरोजन मतलब ओके व्हेनेवर एनी मेटल इज अटैक्ड ओके बाय ऑक्सीजन सो दैट इज कॉल्ड एज कोरोजन सो इट फॉर्म्स इट्स ओन ऑक्साइड ओके सो क्या बन जाता है अगर मेटल हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन पे एक्सपोज करते हैं सो देन ओके दैट विल इजीली और रेडीली इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन क्योंकि आपको पता ही है मेटल्स दे विल इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स इज इट राइट दे विल इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे आर यू नो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर सो दैट इज आई रेडीली वो लोग ऑक्साइड बनाते हैं एंड दैट सेम वे आपका जो कोई एटमोसफियर में ऑक्सीजन है दैट विल रिएक्ट विद वाटर विच इज प्रेजेंट ओके सो इसके लिए आपको क्या होना जरूरी है कोरोजन के लिए आपको ये भी देखना जरूरी है कि एयर के साथ वाटर भी प्रेजेंट होना जरूरी है ओके सो देन आपको ऑक्साइड फॉर्मेशन बन जाता है एंड दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज कोरोजन
ओके एंड देन यू से दैट द मेटल हैज बीन कोरोडेड. सो अगर कोरोजन होता है मेटल्स में, सो रिमेंबर इट विल एक्चुअली स्पॉइल इट्स नेचर और उनका जो फंक्शनिंग है वो छूट जाता है. सो दैट इज वाई हम प्रिवेंट करना चाहिए कोरोजन को. सो हम देखते हैं कि what are the different ways in which we can prevent corrosion and what are some of the metals that will undergo corrosion. ओके सो पहले जो कोरोजन ऑफ मेटल्स में आपको देखना ही है, सो दैट इज नथिंग बट आयन का, इज इट राइट. सो पहले कोरोजन इज कोरोजन ऑफ आयन. सो आयन इज वेरी वेरी रेडिली कोरोडिंग. सो इसका अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज पे देखते हैं तो इसका रिएक्टिविटी बहुत अच्छा है, इज इट राइट. तो रिएक्टिविटी अच्छा है मतलब क्या, इट विल ईजिली पिकअप द ऑक्सीजन एंड इट विल ऑल्सो कंबाइन विद वाटर. सो आपको ये जानना ज़रूरी है कि कोरोजन और यहाँ पे आयन का जो कोरोजन के बारे में आप बात कर रहे हैं, सो दैट इज ओनली पॉसिबल विद टू सब्सटेंसेस. तो इनके पास दो सब्सटेंस होना ज़रूरी है, दैट इज ओके वाटर एज वेल एज ऑक्सीजन. तो हम स्पेसिफिकली लिखते हैं ऑक्सीजन. ओके सो आपको ये दोनों भी ज़रूरी है. ओके ओनली विद दिस कॉम्बिनेशन आपको जो मिल रहा है आयन ऑक्साइड, सो दैट इज नथिंग बट यू कॉल इट एज रस्टिंग, इज इट राइट. एंड दैट यू कॉल इट एज रस्ट, इज इट राइट. तो ये क्या होता है आयन ऑक्साइड, बेसिकली Fe2O3.X2O, इज इट राइट. इसका मतलब क्या है, ओके आयन ऑक्साइड है ये एंड इट इज ऑल्सो सराउंडेड बाय एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. सो बेसिकली हम थ्री मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं बट स्टिल ओके वो एक्स मॉलिक्यूल्स अगर हम बोलते हैं, सो इसका मतलब इट इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स. तो ये कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं रस्ट. सो नाउ यू नो रस्टिंग मतलब इट इज स्पेसिफिकली फॉर आयन. ओके आयन और ओके आयन को हम बोलते हैं, अगर कोरोजन ऑफ आयन के बारे में आप बात कर रहे हैं सो देन वी यूज द वर्ड एज रस्टिंग. बट अगर आप दूसरे कई मेटल्स के कोरोजन के बारे में बात करें सो यू कैन नॉट यूज रस्टिंग. ओके सो रस्टिंग वर्ड सिर्फ आयन के आप यूज कर सकते हैं. सो यू कैन सी व्हाट हैपेंस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आयन ऑक्साइड. आप देख सकते हैं कि ब्राउन सब्सटेंस बन जाता है ये. सो इसका कलर ब्राउन होता है. सो दिस आयन ऑक्साइड जो है बना है अब, सो इट इज ब्राउन इन कलर. सो दैट इज वाई हम बोलते हैं कि ओके रस्ट हैज बीन डेवलप्ड. सो दैट मीन्स आयन ऑक्साइड डॉट X2O हैज बीन डेवलप्ड हियर. सो ये कोरोजन ऑफ आयन होता है. सो अब हाउ डू वी प्रिवेंट दिस रस्टिंग, क्योंकि आपको पता है आयन को हम बहुत एप्लीकेशंस में करते हैं डेली लाइफ में. सो दैट इज व्हाई रस्टिंग होना वी हैव टू प्रिवेंट इट. तो बहुत बहुत मतलब मेथड्स होते हैं जिनमें आप प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग को. सो एक सिंपल मेथड है आप जो यूज करते हैं, दैट इज पेंटिंग, इज इट राइट. अगर आप ऑर्गेनिक पेंट्स करते हैं या फिर ग्रीसिंग कर सकते हैं या ऑयलिंग कर सकते हैं, सो ये सारे जो है ओके वो आप डू इट योरसेल्फ घर में भी आप कर सकते हैं. सो इवन यू माइट हैव सीन की बाइक का चेन या साइकिल का चेन, सॉरी बाइसिकल का चेन को आप देख सकते हैं कि ग्रीसिंग करते हैं वो लोग ताकि वो कोरोड ना हो. ओके सो ये ग्रीसिंग टेक्निक से आप क्या बेसिकली कर रहे हैं, ओके यू आर जस्ट प्रिवेंटिंग द मेटल एंड ऑक्सीजन टू कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होने से आप रुका रहे हैं, कैसे, एक टिन कोटिंग कर रहे हैं, इज इट राइट. तो वो टिन कोटिंग जो है वो प्रिवेंट करता है मेटल और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन को. सो अगर वो कॉम्बिनेशन नहीं है तो रस्टिंग नहीं होता है. सो ये पहला प्रिवेंशन टेक्निक है. दूसरा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, तो गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं इसको. हम एक और नाम से ही बोल सकते हैं, दैट इज सैक्रिफिशियल कोटिंग. ओके ये हमने हमारे पहला चैप्टर में भी देखा था जिंक का, जब हम प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में, मैंने आपको ये बताई थी सैक्रिफिशियल कोटिंग. तो बेसिकली ये क्या होता है, आयन को आप प्रोटेक्ट कर रहे एक और मेटल को यूज करके, दैट इज कॉमनली जिंक. ओके क्योंकि जिंक का रिएक्टिविटी आयन से ज्यादा है. रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप याद करते हैं सो आपको पता है कि जिंक इज प्लेस्ड अबव आयन, इज इट राइट. सो आप क्या कर रहे हैं, बाय कोटिंग इट विद जिंक, ओके यू आर जस्ट प्रिवेंटिंग आयन फ्रॉम रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, बट जिंक विल गेट
रिएक्टेड विद ऑक्सीजन. सो जिंक एक्चुअली सैक्रिफाइस कर रहा है खुद को, ओके, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इनर आयरन लेयर. ओके, सो ये करने की भी तरीका होता है. सो जिंक कोटिंग भी इतना आसान नहीं है, यूनिफॉर्म कोटिंग बनाना मतलब थोड़ा मुश्किल होता है. ओके, सो दैट इज वाई हम क्या करते हैं आजकल, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से ही हम करते हैं. ओके, सो यहाँ भी ओके हम आयन को कैथोड में लेते हैं. ओके, एंड देन वो जो जिंक लेयर है ओके, उसको हम एनोड बनाते हैं. एंड देन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है यहाँ पे, आप वो जो जिंक है उसको आप अच्छे से कोट कर सकते हैं. सो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से आपको यूनिफॉर्म कोटिंग अचीव कर सकते हैं आप. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज गैल्वनाइजेशन. तो ये प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ कवरिंग आयरन विद जिंक. ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैल्वनाइजेशन. ओके, सो ये दूसरा तरीका है आयरन रस्टिंग प्रिवेंट करने का. एंड तीसरा तरीका है बाय एलॉयिंग. सो एलॉय आपको पता है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेटल्स, इज इट राइट? तो हम देखते हैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में कि एलॉयज क्या होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज क्या है. बट आपको याद होना चाहिए कि एलॉयज मतलब हम दो तीन मेटल्स को कंबाइन करते हैं इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस. ओके, मेटल्स भी हो सकता है, इसके साथ नॉन मेटल्स का भी कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं. ओके, सो यब एलॉइंग करने से क्या होता है, हम रस्टिंग को प्रिवेंट करते हैं. जैसे कि अगर आप स्टील के बात करते हैं, ओके, सो स्टील इज वन सच एग्जांपल, ओके, जहां पे आप एक्चुअली आयरन के साथ जिंक को मिक्स कर रहे हैं, इज इट राइट? सो बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन आप रस्टिंग प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि स्टील इज नॉट सो मच प्रोन टू रस्टिंग एज आयरन इटसेल्फ. ओके, एंड सिमिलरली अब स्टील से भी अब स्टेनलेस स्टील आ गया है, तो वो और भी बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे हम दो तीन मेटल्स को कंबाइन कर रहे हैं, इज इट राइट? आयरन, निकल, क्रोमियम, एज वेल एज थोड़ा नॉन मेटल लाइक कार्बन. सो ये सारे कॉम्बिनेशन से स्टेनलेस स्टील बनता है. सो दैट इज वेरी वेरी रेजिस्टेंट टू कोरोजन. सो अगर आप आयरन को एलॉय फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सो कोरोजन आप प्रिवेंट कर सकते हैं. सो स्टेनलेस स्टील it is used in almost all equipments and utensils, is it right? So because it is not very prone to rusting. ओके, एंड फोर्थ तरीका है दैट इज ओके यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशंस. तो कई सारे रिसर्च और भी चालू हो रहे हैं कि कैसे हम एक स्प्रे को यूज करके बाय स्प्रेइंग द सरफेस ऑफ द मेटल, सो हाउ कैन यू प्रिवेंट द रस्टिंग. सो ये जो सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं एंटी रस्ट सॉल्यूशन. तो ये सॉल्यूशन ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेट्स होता है. सो बेसिक फॉस्फेट्स को हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं एज एंटी रस्ट सॉल्यूशन, सो दैट वो जो है वो प्रिवेंट करता है फ्रॉम रस्टिंग. ओके, एंड ये अभी अभी तो ये भी बहुत बहुत कॉमन अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे हम लेजर लाइट को यूज करके कैन यू सी बाय यूजिंग द लेजर लाइट वी आर एक्चुअली ओके रिमूविंग द रस्ट. यहाँ पे आप देख सकते हैं, इज इट राइट? सो हाउ इजिली वी आर रिमूविंग द रस्ट ऑफ आयरन बाय यूजिंग लेजर क्लीनिंग टेक्नोलॉजी. ओके, सो अब बहुत तरीका हो चुका है कि रस्टिंग कैसे हम रिमूव करें. ओके, सो ये सारे बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स होते हैं, बट ओके अगर आप ये बहुत बल्क में करना है आयरन का रस्टिंग को मतलब रिमूवल, सो ये टेक्नोलॉजी यूज करते हैं अब. ओके, और भी बहुत टेक्नोलॉजीज है, और भी बहुत स्टेप्स प्रोसीजर्स है जहाँ पे आप रस्टिंग अवॉइड कर सकते हैं. ओके, अगर आप चाहते हैं तो आप इसके बारे में ज़्यादा देख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम. देखिए आपके मन में ये जो होता है कि गलतफहमी कि ओनली आयरन अंडरगोज रस्टिंग या कोरोजन, बट देर आर अदर मेटल्स, एल्यूमिनियम ऑल्सो अंडरगोज कोरोजन, बट ये इतना ज़्यादा नहीं. आयरन इज फर्स्ट इन द सीरीज, आयरन बहुत बहुत रेडिली कोरोड हो जाता है. ओके, एंड एल्यूमिनियम ऑल्सो अगर आपने इसको एक्सपोज किया ऑक्सीजन में, तो इट कम्बाइंस विद ऑक्सीजन. ओके, एंड व्हाट डज इट फॉर्म? इट फॉर्म्स अ डल लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इज इट राइट? एंड Al2O3 आपको पता है बहुत बहुत स्टेबल ऑक्साइड है ये. सो रिमूवल ऑफ दिस
एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर इट्सेल्फ इज अ चैलेंज आपको. ओके, सो दैट इज वाई आपको इसको भी स्प्रे करना पड़ेगा, एंटी रस्ट सोल्यूशन ही यूज करना पड़ेगा इसको भी, ताकि आप रिमूव कर सकते हैं. नहीं तो आपको बहुत फ्रीक्वेंटली क्लीन करना पड़ेगा एल्यूमिनियम वो जो मेटल को. ओके, नहीं तो बहुत मतलब ये जो अगर ऑक्साइड फॉर्म बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इट इज़ वेरी वेरी स्टेबल एंड इट इज़ नॉट सो ईजी टू रिमूव दिस ऑक्साइड लेयर. ओके, सो दिस इज ऑक्सीडाइज्ड एल्यूमिनियम. आप देख सकते हैं कलर कैसे चेंज हो रहा है, इज इट राइट. एंड नेक्स्ट हम देखते हैं कॉपर. सो कॉपर ऑल्सो अंडरगोज कोरोजन. ओके, सो ये क्या होता है, कॉपर व्हेन इट इज एक्सपोज्ड इन एयर फॉर लॉन्ग टाइम इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, ये इंपॉर्टेंट है. What is the corrosion of copper? यहाँ पे copper reacting with carbon dioxide and water, okay? And अब बन गया इसका corroded. So corroded copper कैसे दिखता है? It is green color. देखिए ये जो है, this means that the copper has been corroded, okay? So देखिए कितना अच्छा color आपको दिखाई देता है. So ये जो green color form हुआ है, so what is it exactly? इसका formula क्या है? It is nothing but copper carbonate. So CuCO3 dot CuOH twice. तो ये दोनों का combination है, copper carbonate as well as copper hydroxide. Okay, so that is what gives this a bluish green color to the copper. Okay, so ये corrosion होता है यहाँ पे. Okay, and remember one thing, copper का reactivity बहुत कम है, so corrosion of copper is very very slow. Okay, very very slow. It is not so drastic, not so ready as iron. Okay, and aluminium से भी slow होता है ये. Copper का corrosion बहुत slow आपको दिखाई देता है. Okay. सो नेक्स्ट हम देखते हैं एक और. आपको पता ही होगा कि अगर आपने सिल्वर मेटल को बाहर रखे गए हैं, देन व्हाट हैपेंस, इट विल स्टार्ट डेवलपिंग द कलर ब्लैक, इज इट राइट. सो ये सिल्वर स्पून्स आप देख सकते हैं ब्लैक कलर हो जाता है अगर आप इसको बाहर रखते हुए. एंड अगर आपके ऑर्नामेंट्स है सिल्वर का, ज्वेलरी है, सो वो भी ऐसा ही है. आपको केयरफुली अंदर रखना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन के साथ इसका कोई कॉन्टैक्ट ना हो. तो बेसिकली कोरोजन ऑफ सिल्वर कॉपर, तो इनको एक और नाम से हम बोलते हैं, दैट इज टार्निशिंग. ओके, टार्निशिंग मतलब कोरोजन ऑफ कॉपर या सिल्वर. ओके, सो टार्निश ऑफ सिल्वर हम बोल सकते हैं. ओके, सो ये जो बन गया है, ओके, सो ये बन गया, ये किससे वजह से बन गया है? ओके, सिल्वर का कोरोजन जो है, दैट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड. ओके, सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर होता है, सो दैट इज व्हाई ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड आपका जो सिल्वर है दैट विल स्टार्ट कोरोडिंग. आप देख सकते हैं कैसे कलर चेंज होता है. यस, सो दैट इज व्हाई, ओके, यू शुड टेक गुड केयर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कोरोजन. ओके, सो ये आज के लिए हम किया है, सो कोरोजन का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए. आई होप आपको मज़ा आया. सो अगर आपको पसंद आए इस लेक्चर, आपको क्या करना है, अभी के अभी लाइक करना है और शेयर करना है अपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे. सो डोंट फॉरगेट टू यूज़ द हैशटैग फाउंडेशन लाइव डेली, ज़रूर यूज़ कीजिएगा ये हैशटैग एंड शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ. अगर आप हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू यूज़ द रेफरल कोड स्कूल. सो इससे आपको 10% डिस्काउंट भी मिलने वाला है. एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, घंटी बजाने भी भूलना मत क्योंकि नोटिफिकेशंस आपको आता ही रहेगा. एंड ये तीन हमारे चैनल्स हैं, अनअकैडमी, जेई, अनअकैडमी नीट एंड फाउंडेशन. तो कीप सपोर्टिंग अस, कीप मोटिवेटिंग अस. विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. सी यू ऑल.